सो गाइस एंट्री ले ली हमने स्कूल के अंदर। ये रहा हमारा प्यारा स्कूल, इसके अंदर की थी हमने पहचान लिया है मैम ने बिल्कुल बढ़िया तरीके से। सबसे ज्यादा मार्क्स हिस्ट्री के अंदर आया था 70 जिंदगी में पहली बार। ममता मैम से बात कर लूं लेकिन ऐसा लगता है अभी भी चाटा मार रही है। दोबारा से वो यादें फिर से ताजा हो गई है। एर्थ सी थी हमारी, अभी एर्थ भी हो चुकी है। और वॉशरूम भी दिखा दूं क्या गाइस? ये हमारा वॉशरूम था, हम यहाँ पर वॉशरूम So, hi guys, what's up? Welcome back to my channel. तो कैसे हो आप लोग? I hope आप लोग अच्छे होंगे, fit and fine. So guys, आज कुछ special है। Special मतलब जिन लोगों ने स्कूल छोड़ दिया ना, तो उन लोगों के लिए तो ये दिन बहुत ज्यादा स्पेशल ही होगा, क्योंकि आज मैं कम से कम 3 साल बाद अपने स्कूल के अंदर जा रहा हूँ, जो कि मेरे स्कूल के अंदर आज फेट है। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आज मैं अपना स्कूल जहाँ पे मैं पढ़ता था, जहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब हरामी पंती करी है, बहुत ज्यादा मस्ती मजाक करा हमने। तो गाइज आज वापस से उस जगह पर एक बार जाकर मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट सी हो रही है, इतने टाइम बाद स्कूल जा रहा हूँ ना, तो बस देखते हैं गाइज कैसा है। बस बहुत ज्यादा इमोशनल भी हूँ और बहुत ज्यादा एक्साइट भी हूँ, तो देखते हैं गाइज क्या होता है। और गाइज आज संडे भी है, आज ना मेरे को क्रिकेट खेलने भी नहीं आता, तो आज मैं क्रिकेट भी नहीं खेलने गया स्कूल जाने के चक्कर में। गाइज चलते हैं, अभी नितिन को भी मैंने फोन किया है, उसी के साथ रहता था हमेशा और वो मेरे साथ रहता था हमेशा स्कूल के अंदर। तो चलो गाइज चलते हैं, फटाफट से रेडी होकर दिखा दूं आप लोगों को। सो देखिए गाइज बताओ कैसी लग रही है मेरी लुक, पूरी बस लेके नीचे तक बताना गाइज कैसे लग रहा हूं। तो चलो अब जल्दी चलते हैं, मजा आने वाला है, मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है, बाकी लेट्स गो। गाइज एक बहुत ही गंदा वाला सीन हो चुका है यार, बहुत ज्यादा मूड खराब हो चुका है। जस्ट रेडी होके निकल ही रहा था और देखो क्या सीन हो, ये बारिश आ गई, बहुत बढ़िया बारिश। पता है ना, पता है भगवान को भी, स्कूल के अंदर वापस से वही लोग जा रहे हैं जिन्होंने वो धम कर रखा था स्कूल के अंदर, तो बारिश करवा दी भगवान ने आज। इस बहुत गुस्सा भी आ रहा है यार, अब कैसे जाएंगे यार, बहुत ज्यादा मूड खराब हो जाएगा अगर मैं ऐसे इतना तैयार होके घर पे बैठा रह गया तो। और क्रिकेट खेलने भी नहीं गया यार, इससे बड़ा क्रिकेट खेलने चले आता, बट यार जाऊंगा जरूर, छतरी ढूंढता हूँ कोई। तो गाइस अब मंदी हो गई शायद, अब निकल लेते हैं फटाफट, बिल्कुल नॉन स्टॉप भाग के चलते हैं, थोड़ी थोड़ी सी आ रही है बस। देखो गाइस जूते भी मैंने आज वाइट पहने हैं, ठीक है बारिश हो गई, पता था कि वाइट जूते यार, सब कुछ ही बेकार हो रहा है सब कुछ ही यार, लेकिन तब भी जाएंगे आज, जूते भी कुरवाने स्कूल के लिए। गाइस बस मैं नितिन का वेट कर रहा हूँ यहाँ पर, अभी तक वो आया नहीं है, बस जल्दी से आ जाए, उसको ऐसे ऐसे कर दूंगा यार मैं, फटाफट आ जाए बस वो। अभी इतनी देर से आया ये भाई, तू ना सुनने के काम तो बहुत करता है। चला बाइक, ठंड हो रही है, जल्दी चला, मैं नहीं चलाऊंगा भाई, चलेगी नहीं, चलेगी। देख रहे हो तेजी गाइस, तेजी देख रहे हो उसकी, अबे मेरे को रास्ते नहीं मालूम ना, साफ कर इसको, अबे बैठ जा चुपचाप, अबे पीछे चल मैं चला रहा हूँ। पहले पीछे बैठ, सीट साफ करवाऊंगा पहले। सो गाइस फाइनली स्कूल पहुंचने वाले हैं और पूरे रास्ते बाइक मैंने चलाई है, अब इसने ले ली ना हरामी ने, बहुत हरामी है ये। और बस आज इसकी सारी हरकतें बताऊंगा और अपनी भी सारी हरकतें बताऊंगा। बस गाइस देखो सामने हमारा स्कूल है, 12th के बाद सीधा आज जा रहे हैं हम अपने स्कूल, बारिश के अंदर भी पता है बारिश क्यों हुई है, स्कूल को पता है क्या जमाने वाले हैं हरामी। बहुत गम मचाया गाइस हमने बहुत ज्यादा, सामने आ गया हमारा स्कूल, पहचान कभी नहीं मिलेगा गाइस। ये रहा हमारा लॉयंस पब्लिक स्कूल, वो कहां है जिन्हें जूनियर को जान देते हो। ये रहा गाइस हमारा स्कूल, हमारा अपना स्कूल, ला लगाऊं कहीं भी लगा ले। सो गाइस एंट्री ले ली हमने स्कूल के अंदर, ये रहा हमारा प्यारा स्कूल, इसके अंदर की थी हमने 12th कंप्लीट, और ये रहा वो ग्राउंड, बस मजा आने वाला है आज। खुशी खुशी किसी का नाम खुशी ना हो फिर, किसी का नाम खुशी ना हो फिर यहाँ पर बंदे पहले, यार मेरे को शर्म आएगी आज ब्लॉग बनाते हुए, लेकिन शर्माऊंगा नहीं मैं, स्कूल में हरामी था तो हरामी ही रहेंगे स्कूल में आके दोबारा। मैम से मिलेंगे ना, स्कूल से निकले नीचे कौन ये कह रहे, पता नहीं 12th में ही होंगे अब। भाई भैया सब्सक्राइब कर दो भाई को, तुमने कर रखा है नहीं कर रखा है? अरे कर रखा है भैया। और गाइस ये भी मेरी सब्सक्राइबर है, उसका नाम है तानिया ब्लॉग, देखते हो पक्का? ये मेरे स्कूल में ही थी सारे ब्लॉग, अभी क्या कर लूंगा। अरे नहीं नहीं ट्रस्ट हो गया। किसी टाइम पे हम भी यहीं पे खड़े रहते थे ना, स्टॉल लगाते थे गाइस हम यहाँ पे। गाइस ये जो मैम है ना, इन्होंने 10 चांटे दिए थे गाइस, ये जो ये वाली टीचर है ना, ये वाली टीचर इसके 12-13-14 चांटे। मैं चल अब गिन पूछवा दूं, अभी पूछवा दूंगा, पूछवाऊं। एक धोखेबाज जिसकी मैं बात कर रहा था ना, तो धोखेबाज बंदा ये है, ठीक है।
और गाइस ये वो जगह है, मैं यहाँ की फोटो डाल दूंगा जो हम सबकी है ना, यहाँ की फोटो डाल दूंगा। के अंदर यहीं खड़े होके ऐसे तैसे करते हैं सबकी, और सबसे ज्यादा इसकी बपरा कितना है, इसकी दाढ़ी आ गई और इसके बाल चिपका दिए। यहाँ खड़ा होके भाई सब लड़कियों को ताने मारता था, जो भी लड़की आती थी सब लड़कियों को ताने मारता था। तो चलो चलते कैंटीन वेंटिंग पे जाने दे रहे, चलो 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 चलते हैं। भाई सब मैडमों के पास जा रहे हैं, देखते हैं पहचानती है मैम उनको, नहीं पहचानती, अब मजा आएगा। मैडमों को टेस्ट लेते हैं, मैम ने तो हमारा बहुत टेस्ट लिया है। मैं तो पहचानता हूं, हम तो पहचानते हैं, लेकिन देखते हैं मैडम पहचानते नहीं पहचानते हमको। मेरे को ना दो टीचर्स ने पहचान लिया, एक क्या नाम था सबसे पहले, इंग्लिश मैडम मिली, मैडम मिली मैं, यार हम नाम भूल गए, उन्होंने मेरे को डांसर, उन्होंने बोला हमारी डांसर, हाँ सुमिता मैम, भाई पहचान लिया कि हम डांसर, इसको भी पहचान लिया, इसका नाम नहीं पहचाना। देखते हैं गाइस अब कोई और पहचानती है नहीं पहचानती। और गाइस मीट हर, ये है 6th से लेके 12th तक मेरी बेंच पार्टनर और मॉनिटर भी, और 6th से लेके 12th तक सिर्फ यही फर्स्ट आई है और कोई फर्स्ट नहीं आया आज तक, इंटेलिजेंट है गाइस। और मैं तब भी इतना आराम ही तब भी नहीं पढ़ता था, इसने तब भी पढ़ा नहीं भाई मेरे को। मैम हमको ये लग रहा है कि आप पहचानोगे नहीं पहचानोगे, नाम बता दो फिर नाम, दो वीडियो में बता, चलो ठीक है याद तो है कम से कम। तो गाइस अब मैं उस टीचर के पास जा रहा हूँ जिसके सब्जेक्ट में मैं सबसे ज्यादा मार्क्स लाया था 70 12th के अंदर जिंदगी में पहली बार, देखते हैं पहचानेगी मैम नहीं पहचानेगी, लेट्स गो। अब रोकते हैं, कौन है भाई? यस पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा था, ऐसा लग रहा था गाइस पहचान लिया है मैम ने बिल्कुल बढ़िया तरीके से, सबसे ज्यादा मार्क्स हिस्ट्री के अंदर लाया था 70 जिंदगी में पहली बार। देखी और मैंने आपका नाम भी मेंशन किया था, और वो अभी तक मैंने कहा गाइस अभी तक याद है वो चीज़ उसको पहचान ली। गाइस मेरा नाम याद है, गाइस मेरा नाम भी याद है, इन वाली मैम ने ना बस ज्यादा कुछ नहीं, इसके नॉन स्टॉप 14 थप्पड़ मारे थे। गाइस ये है हमारी क्लास, यहाँ पर हम बैठते थे, देखो 9th सी ये हुआ करती थी, 9th हमारी, देखिए गाइस ये हमारी 9th सी क्लास थी, नहीं है हमारी पहले बेटा हमारी भी थी, और इस क्लास में नितिन को शिफ्ट कर दिया था। इस क्लास के अंदर हमारा अड्डा बस वही होता था ना, तो बोल लेना अभी तो उधर बैठते थे गाइस हम, और नितिन को इस क्लास में मर्जी करने के बाद जो मजा आया था ना, याद है तेरे को वो सीन, अभी जब तेरे को हमारी क्लास से इधर कर दिया था, रो रहा था गाइस पूरे उस पर रो रहा था बहुत ज्यादा। देखो गाइस यहाँ से डस्टर फेंक के मारा था और मैंने कैच कर लिया था, यहाँ से डस्टर फेंक के मारा था और मैंने यूं कैच करा था, बाहर निकलते थे, अब तो पता नहीं कभी हो जाए। और यहाँ से कॉरिडोर ही हमारा, एक प्यारी आंटी मिल गई हमको, अलाउड कर दिया यहाँ पर आने के लिए, तो यही है देखो हमारा कॉरिडोर, यहाँ पर हम लोग घूमते थे फिरते थे, आज 3 साल बाद दोबारा से वो यादें फिर से ताजा हो गई है। और ये हमारी 8th क्लास थी, 8th सी थी हमारी, अब ये 8th भी हो चुकी है, और वॉशरूम भी दिखा दूँ क्या गाइस? गाइस ये हमारा वॉशरूम था, हम यहाँ पर वॉशरूम, यहाँ पर सुसु करने आते थे, वॉशरूम जा सकते हैं ना, नहीं जा सकते, उस लड़की हो गई, गेट लगवा दिया,
गेट लगवा दे गाइस, तरक्की हो गई, गेट लगवा दे, पहले यहाँ पे गेट नहीं था। अब गेट लगवा दिया भाई स्कूल वालों ने, तरक्की हो गई गेट वाले भाई, तरक्की हो गई। चलना कभी ममता मैम आ जाए फिर से पीछे बाहर से जाने के मेरे आंटी उधर से नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, लोग लगे हुए हैं यार यहाँ पर, एक खोल के दिखा दो आंटी को इसी क्लास। ये स्मार्ट क्लास है ना, बंद रहती है। अच्छा बंद रहती है, चलो कोई बात नहीं, खुली हुई है, खुली हुई है। गाइस मैं 9 सी नहीं है, 7th सी, 7th सी, ओ भाई साहब 7th सी भाई साहब। गाइस यहाँ से सीट थी नितिन की, सीट यहाँ पर होती थी, वो थप्पड़ा है, यहाँ से सीट यहाँ जाती थी, यहाँ से सीट यहाँ जाती थी, यहाँ से सीट मेरे पास आती थी। यूनिट टेस्ट के अंदर गाइस ऐसे चीटिंग चलती थी, आप सारी सच्चाई बता रहा हूँ, लेकिन सिर्फ यूनिट टेस्ट के अंदर चलती थी। और बस बहुत ज्यादा मजा आ रहा है फिर से ना, दिल गार्डन गार्डन हो गया। ओए तेरी सीट वाली बात बता रहा हूँ, तेरी सीट वाली बात बता रहा हूँ, तेरी सीट यहाँ से यहाँ जाती थी, यहाँ से वहाँ जाती थी। भाई आज भी पता नहीं ममता मैम से क्यों डर लगता है इतना ज्यादा, मैं सोच रहा हूँ ममता मैम से बात कर लूँ, लेकिन ऐसा लगता है अभी भी छाटा मार दी। भाई आवृत्ति मैम की आवाज अभी भी बहुत तेज है, सच में तेज है, बिल्कुल वही थी। मैं प्रिंसिपल मैम भी आ जाऊँ, प्रिंसिपल मैम अभी इंग्लिश में बात करेंगे, आ जाना फटाफट। और गाइस ये आ गया हमारा क्रिकेट का प्रैक्टिस मैच, क्रिकेट का प्रैक्टिस ग्राउंड, इन नेट्स के अंदर हम लोग प्रैक्टिस करते थे। और नितिन बॉलर था, बैट्समैन भी था, बॉलर था, बॉलर राउंडर था, इतना पेलता था ना गाइस, इसको दिखती भी, अगर एक बार नेट तोड़ के वो शीशा के अंदर तोड़ा था मैंने, ओ यार मतलब जलन की, अब जलता अभी भी है इतना मुझसे, इसकी जलन से मतलब हमको वो नहीं है कुछ। सो गाइस अब हम जा रहे हैं अपनी कैंटीन के अंदर, राहुल मजा आ जाएगा ये वाले ब्लॉग के अंदर। 20 रुपए की पैटी, 10 रुपए का झूलेलाल, कुलचे छोले तो शुरू हुए थे 20 रुपए वाले, झूलेलाल खाते थे गाइस, जो मैंने आपको बताया था ना ब्लॉग के अंदर लास्ट वाले। तो अभी दिखाता हूँ अपने स्कूल की कैंटीन, और ये थी गाइस हमारी कैंटीन, यहीं पर खड़े होके हम खाते थे एक दूसरे से, और ये रहा वॉलीबॉल वाला ग्राउंड हमारा। और गाइस ये वही वॉशरूम है, मेरे को सपना आया था नितिन यहाँ पर कुछ, यहाँ पे क्यों गए, हम तो प्रीफेक्ट है यहाँ के, भाई इस स्कूल के अब सीनियर हो गए बहुत तुमसे, पास आउट, पास आउट, हाँ बोर्ड पे मेरा नाम भी था, प्रीफेक्ट देगा ही राहुल 11 तक था, लेकिन फिर राहुल ने बोला कि अब मैं इस स्कूल से नहीं करूंगा, मैं महंगे वाले स्कूल से करूंगा, निकाला गया सच्चाई क्या बताती मानस। सो गाइस यही है वो जगह जहाँ पर नितिन को इतनी स्मैशे पड़ती थी, मुंह पे इधर आ, कहाँ भाग रहा है, इधर आ, इधर तो आ भाई, बस फर्क इतना है गाइस इसके ना बस दाढ़ी आ गई, पहले बिल्कुल इतना छोटा था, पिदकना सा था, मजा आ गया स्कूल के अंदर। तो गाइस हम यहाँ पर ना बिना बताए आए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिली थी तो ये कभी, इतना स्मार्ट सोच रहा, बहुत स्मार्ट लगूंगा व्लॉग के अंदर, यूं आ रहा हूं। तो क्या बोलूं मजनू मुन्नी, गाइस ये मेरे ब्लॉक का मुन्नी है। देखिए गाइस ये हमारा टेनिस कोर्ट ग्राउंड था, और ये आप फ्रंट से हमारा पूरा स्कूल है। गाइस देखो मेरे फैन फॉलोइंग अभी तक स्कूल के अंदर, हम सब इनके सब्सक्राइबर हैं, एक ही ब्लॉग देखा है, पर लेकिन सब्सक्राइबर तो है ना सारे, गाइस वो स्कूल के अंदर हंसी मजाक करती है, सीरियस मत लेना। नहीं पहचाना कौन है भाई तू, नहीं झूठ बोल रहा, हमारे यहाँ पर होते ही बारिश स्टार्ट हो गई, हम घर जा रहे हैं, यहीं तक का था स्कूल का व्लॉग, बाकी स्कूल के बाहर जाके एक शायरी बताऊंगा आप लोगों को।
क्या देख लेना अभी मेरे पैसे खो गए यार। पैसे खो गए, 20 रुपए लाया था खो गए। बारिश आ गया है, सब टेंटों के अंदर चलेगा। सो हाय गाइज, घर पर वापस आ चुके हैं और गाइज ये नेक्स्ट डे है। तो गाइज वहां पर ना बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, तो इस वजह से फोन भाई जिम में रखना पड़ा। वैसे तो आईफोन है लेकिन तब भी यार वो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है व्लॉग बनाने के अंदर, तो इसलिए घर पर वापस आ गए। तो गाइज ये देखा आप लोगों ने आज का व्लॉग। स्कूल के अंदर इतनी सारी मेमोरीज थी ना कि मतलब मैंने बहुत ज्यादा व्लॉग बना सकता था, लेकिन वो मैंने नहीं बनाया। वो बस मैं हम इंजॉय कर रहे थे, मैं और मेरे फ्रेंड्स। और गाइज इतना ज्यादा इमोशनल हो गया था, सच बता रहा हूँ। बाहर से हंसी थी लेकिन नेचुरली होता है। मतलब पहले इतने बहाने करते थे स्कूल की छुट्टी करने के लिए, बहुत ज्यादा बहाने करते थे गाइस। कभी बुखार हो रहा है, कभी पेट में दर्द हो रहा है, कभी सर में दर्द हो रहा है। और स्कूल से वापस आने के लिए भी घर पे फोन करवाए देते, पेट में दर्द हो रहा है मैम घर पे फोन कर दो। बट ऐसा लगता है गाइस वो स्कूल लाइफ बेस्ट थी। और जो जो अभी स्कूल के अंदर है ना, मैं उन लोगों से यही कहूंगा कि गाइस अपनी स्कूल लाइफ बहुत अच्छे से एंजॉय करो, बहुत ज्यादा अच्छे से एंजॉय करो। बस कुछ गलत काम मत करना, हंसी मजाक फन सब कुछ करना, कुछ गलत काम मत करना। अपनी स्कूल लाइफ को बहुत मेमोरेबल बना दो, ठीक है, अच्छे वे में मेमोरेबल बना। तो बस यही कहना चाहूंगा मैं जो जो स्कूल के अंदर है। बाकी जो मैं गया, मेरे को लगा टीचर्स पहचानेगी नहीं। एक टीचर रचना मैम, जो मेरी वैसे तो सारी मैडम बहुत अच्छी थी लेकिन रचना मैम मेरी फेवरेट मैम थी। बेशक बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी, ऐसा कोई नहीं था जो रचना मैम से नहीं डरता था, लेकिन जो उनके पॉइंट्स और उनके बोलने का तरीका और उनके समझाने का तरीका था ना, वो बहुत मस्त लगता था बहुत ज्यादा। तो बस अब क्या ही हुआ, ऐसे मैं बताने लग जाऊंगा तो पूरा व्लॉग इसी में खिंच जाएगा। तो बस यही कहना चाहूंगा गाइस, जब मैं स्कूल से बाहर आया ना, स्कूल से बाहर आके मुझे ऐसा लगा स्कूल मुझसे बात कर रहा है। मैंने स्कूल को ऐसे पीछे मुड़ के देखा, मैंने कहा चल यार अब जा रहे हैं, पता नहीं फिर कब स्कूल देखने का मौका मिलेगा। मैंने ऐसे स्कूल को पीछे देखा तो ऐसा लग रहा स्कूल बोल रहा है हाँ भाई अब तो बड़ा तू मतलब इमोशनल होके जा रहा है और इमोशनल होके मेरे को देख रहा है। वैसे तो छुट्टियां करता था मेरे पास ना आने की, है ना, और बहाने करके जाता था मेरे पास से। अब क्या हो गया, अब कैसे इमोशनल होके देख रहा है। देखा बेटा याद आई ना मेरी भी तेरे को, है ना, इमोशनल हुआ ना मेरे को देख के। अब ऐसे ही तू मेरे को देख के इमोशनल होगा हमेशा जब भी तू मेरे सामने से जाएगा। तो भाई ऐसा लग रहा था कि स्कूल मुझसे ऐसे बातें कर रहा है। आपको ये मतलब मेरी पागलपंती लग रही हो लेकिन जो फैक्ट है मैं वो बता रहा हूँ आप लोगों को, जो मेरे को ऐसा लगा। तो बस यही बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। बाकी वो मैं इमोशनल हो गया था, क्या पता मेरे को इसलिए ऐसा लगा। आप लोगों को अगर ये ब्लॉग पसंद आया हो ना तो प्लीज अपने सभी के सभी दोस्तों को शेयर जरूर करना इस वीडियो को, और सभी दोस्तों को शेयर करना। और जो खासकर जो 12th पास हो चुके हैं ना उन लोगों को स्कूल की बहुत याद आती है, उन लोगों को भी जरूर शेयर करना ये वीडियो। होप करता हूँ गाइस आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो गाइस प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय।